क्या फिर से? मुझे लगता है नोबिता टेस्ट दे के पेपर बर्बाद करता है। इस तरह से तुम पेड़ों का और पेपर का दोनों का नुकसान कर रहे हो। क्या मतलब? आखिर पेपर का पेड़ों से क्या मतलब है? हो, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें नहीं पता पेपर पेड़ों से ही बनते हैं। क्या? पेपर के पेड़ होते हैं? हाँ नोबिता, तुम बिना पेपर पेड़ों से बनते हैं, मेरा ये मतलब था। ऐसा कैसे हो सकता है? पेपर तो बहुत नर्म होते हैं और पेड़, जरा इन्हें देखो, बहुत सख्त लग रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है पेपर किससे बनता है? पेपर पेपर से ही तो बनता है, और कैसे बन सकता है? हाँ समझ गया, पहले ये आटे जैसा होता है, फिर उसे फैलाया जाता है और उससे फिर बनता है पेपर, क्यों है ना? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नोबिता पेपर पेपर होता है, क्लीन नहीं होते। नोबिता को हमेशा टेस्ट में जीरो मार्क्स मिलते हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता। इसमें कौन सी नई बात है कि उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया? तुम भी ऐसा बोल रहे हो डोरेमोन। पर अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कागज पेड़ से बनते हैं, तो ये सोच पाना सच में मुश्किल है। इस लाइट को किसी भी चीज की तरफ चमकाओ और वो अपनी असली शक्ल में लौट आएगी। असली शक्ल में? अरे वाह, देखा, पेपर पेड़ से बनता है, इसे कहते हैं रॉ मटेरियल। क्यों, समझ गए ना? पेड़ को बहुत बारीक काटा जाता है, फिर उसमें कई सारे केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, जिससे वो चीज बन जाती है पल्प की तरह। फिर पल्प को पतला करके स्क्रीन में डालते हैं और उसके बाद उसे सुखाया जाता है और फिर उससे पेपर बन जाता है। नोबिता, पेपर में बहुत ही पतले पतले फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से उसे मोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब है एक पेड़ से एक ही पेपर बनता है? नहीं, पर इस लाइट से रॉ मटेरियल देखा जा सकता है। पेपर पेड़ से बनता है, इसीलिए पेड़ बन गया। आइडिया, जिन सब टेस्ट में मेरे जीरो नंबर आए हैं, क्यों ना हम उन्हें वापस पेड़ में बदल दें? ये तो अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन 30 मिनट बाद जिस चीज पर तुमने लाइट चमकाई, वो अपने असली रूप में आ जाएगी। ओ, ऐसा क्या? चलो एक काम करते हैं, इसका थोड़ी देर इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं सारी चीजें किस चीज से बनी है, बहुत मजा आएगा। अच्छा आइडिया है। ये शीशा आखिर किस चीज से बना होगा डोरेमोन? कोशिश करके देख लो। हाँ, ये तो रेत से बना है। शीशे को बनाने के लिए सिलिका, रेत, सोडा ऐश और चूना पत्थर मिलाया जाता है, उन्हें गलाकर साथ मिलाने से शीशा बनता है। हाँ, अच्छा, और ये मैट? पता नहीं ये मैट किस चीज से बनी होंगी, देखिए। अरे वाह, ये तो घास है। तातामी मैट को सूखी हुई घास से बनाया जाता है, बस इसे आपस में जोड़ देना होता है। ये देखे, मुझे नहीं पता था कि डोरा केक्स में रेड बीन्स, चीनी और अंडे डलते हैं। मेरा डोरा केक, तुमने ऐसा क्यों किया नोबिता? बस 30 मिनट में ये वापस डोरा केक बन जाएंगे। हाँ मैं जानता हूँ, पर मुझे इसे अभी खाना था ना। तो फिर तुम यही खा लो, क्योंकि तुम्हारे पेट में ये डोरा केक ही बन जाएगा। एक ही बात नहीं है, दूसरी चीजों पर ट्राई करते हैं। नोबिता मेरे लिए भी रुको, मैं आ रहा हूँ। ये कटोरी किससे बनती है? ये तो मिट्टी का ढेर है। इसे क्ले कहते हैं, क्ले को आकार देकर उसे जला कर ये बनता है। ये चक्कू कैसे बनता है? कमाल है, ये तो पत्थर है। ये लोहे की खान है, इसी से स्टील बनाया जाता है। और ये प्लास्टिक कैसे बनता है? अरे ये तो बहुत अजीब हो गया है। हाँ, क्योंकि प्लास्टिक तेल से बनता है। इन चीजों के बारे में जानना है? डोरेमोन, ये तो जेली जैसा दिख रहा है, जरूर जेली से ही बनता होगा। कोशिश करके देख लो। अरे ये क्या? ये खाने की चीजें जिन सब्जियों से बनी है, लाइट चमकने पर ही उन्हीं सब्जियों में बदल जाती है, समझे? हाँ, चलो चलकर घर की बाकी चीजों पर ट्राई करते हैं, है ना?
चलो डोरेमोन इस तरफ चलते हैं। अरे वाह, आज तो यहाँ पे मजा ही आ गया। मुझे भी। ये लीजिए। है ही नहीं, क्या जूस खत्म हो गया है? अभी लाई। लगता है घर में मेहमान आए। चलो फिर किसी और तरफ चलते हैं। अब भला मैं क्या करूं? मिस्टर सोकोनाशी खाना पीना शुरू करते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। मॉम कितनी परेशान हो गई है ना? हमें मॉम के लिए कुछ करना होगा, इसमें बहुत मजा आएगा। लो ये ले लो, लो लो ये लो, लो ना। आखिर ये जूस किस चीज से बनता है डोरेमोन? बस एक और गिलास ले लो। कहते हो तो दे दो। अरे वाह, ये जूस तो चावल से बनता है। ये तो चावल जैसा लग रहा है। लगता है मैंने ज्यादा खा लिया है। क्या बात कर रहे हो तुम, अभी तक तो हमने कुछ नहीं खाया। अच्छा, अभी मैं कुछ और खा लेता हूँ। उनका खाना भी अब बदल गया है, देखो। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। यहाँ तो टूना और सब्जियाँ भी है, टूना सैलेड की वजह से। इसमें तो अंडे भी है। अंडा, तेल और विनेगर ही मिलकर मेयोनेज बनता है। अब समझ में आ रहा है, आज तुमने बहुत कुछ सीखा। हाँ, आज मैंने बहुत कुछ सीखा डोरेमोन। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। अरे अरे, ये क्या, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? थोड़ी देर रुक जाइए ना प्लीज। जी शुक्रिया, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, पर अभी मुझे घर जाना है। बचाओ। ये कैसी आवाज है, जरा देखो तो। कुछ भी नहीं है मॉम। बस अगले 30 मिनट में सब शांत हो जाएगा, आप तब तक आराम कीजिए। ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं। चलो चलकर ये सुनियो को दिखाते हैं। मुझे पक्का यकीन है सुनियो को भी नहीं पता होगा काफी चीजें किससे बनती हैं। क्या हुआ? तुमने ऐसा क्यों किया? वो वहाँ जियान, आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये क्या? तो इसका मतलब उसकी टोपी ऊन से बनी है और उसके कपड़े कॉटन से बने हैं। जियान का चेहरा देखकर तो मजा ही आ गया। अब बारी है सुनियो की। ये तुम क्या कह रहे हो नोबिता? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम समझदार हो गए हो? क्या तुम्हें पता है कि शीशा कैसे बनता है सुनियो? हाँ हाँ बिल्कुल, रेत में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मदद से। अच्छा ये बताओ, रिमोट कंट्रोल? रिमोट कंट्रोल तो प्लास्टिक से बनता है नोबिता। नोबिता मुझे सब पता है। मैट कैसे बनती है? सूखी घास से। अच्छा ये बताओ, ये कैसे बनता है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये साइबेरियन टाइगर की स्किन से बना है। बहुत मजा आएगा डोरेमोन, मुझे ये करने दो। एक खरगोश, लेकिन ये खरगोश कैसे बन गया? तुमने तो कहा था ये टाइगर से बना है, पर लगता है इसमें सिर्फ खरगोश का फर है। तुम हमसे झूठ बोल रहे थे ना, ये तो एक खरगोश है, कोई टाइगर नहीं। नहीं मैं बोल रहा, मेरे डैड ने मुझे यही बताया था। नोबिता मैं सच बोल रहा हूँ। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? लगता है ये पिंच से बना है और उसके सींग प्लास्टिक के थे। और ये? अरे नहीं नहीं, वो सोने का है। और लगता है कि ये ब्रॉन्ज से बना है, इसका मतलब ये ये सब कुछ इस गाने की वजह से हो रहा है।
ये सील जरूरी प्लास्टिक निकलने वाली है। हाँ, ऐसा है तो, पर कभी कभी ये बनता है। अरे ये क्या?